गुड इवनिंग बच्चों, आज हम सेंस ऑर्गन के पहले जो आपके क्वेश्चन पेपर में है, एक सिलेबस में है, फोटो रिसेप्टर्स यानी कि आईज़ के बारे में बात करेंगे। आईज़ देखिए, जो वर्टिब्रेट बॉडी है दैट इज़ कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू लाइट रेडिएशन। ये तो आपको पता ही है कि हम जो हैं ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पर हम सनलाइट से कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं, वी आर सब्जेक्टेड टू लाइट रेडिएशंस। और जो आईज़ हमारे इस बॉडी में प्रेजेंट हैं, दे आर बेसिकली वेरी सेंसिटिव टू लाइट। ओके, वर्टिब्रेट में दो तरह की आईज़ पाई जाती हैं। एक तो होती है मीडियन अनपेयर्ड आई, जो आपने कई बार देखा होगा, जिसको हम कई बार शिवजी का तीसरा नेत्र कहते हैं। वो बेसिकली हायर वर्टिब्रेट्स में नहीं पाई जाती, लोअर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है। तो मीडियन अनपेयर्ड आई, ये अकेली होती है, इसका कोई पेयर नहीं होता। और लेटरल पेयर्ड आईज जो हमारे इसमें पाई जाती है, या मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं। मीडियन आई हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम मीडियन आई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स जो थे उनमें एक थर्ड आई पोजेस करते थे वो, विच वॉज सिचुएटेड इन द मीडियन पोजिशन ऑन द फोरहेड, माथे पर पाई जाती थी ये, और ये अपवर्डली डायरेक्टेड होती थी, यानी ऊपर की तरफ होती थी, फोरहेड पर बीचों बीच स्थित होती थी, अपवर्डली डायरेक्टेड होती थी। रीसेंट फॉर्म्स में ये ज़्यादातर एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती थी, जो कि अब या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर नहीं है, या बहुत पहले पाए जाते थे। रीसेंट फॉर्म्स में जो मीडियन आईज है, दे आर वेल डेवलप्ड ओनली इन लैम्प्रेज। हमने देखा था लैम्प्रे में, जिसको हम पेट्रोमाइजन कहते हैं, एक मीडियन आई हमने देखी थी, और स्फिनोडॉन में पाई जाती है, कुछ लिजर्ड्स में भी पाई जाती है। आजकल जो पाए जाते हैं वर्टिब्रेट्स उनमें, रीसेंट फॉर्म्स में जो मीडियन आई है, दैट इज़ वेल डेवलप्ड ओनली इन लैम्प्रेज या पेट्रोमाइजन, स्फिनोडॉन एंड सम लिजर्ड्स। अब ये जो वर्टिब्रेट की जो मीडियन आई है, ये क्या काम कर सकती है? दिस कैन ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट है या नहीं है, सिर्फ ये कर सकती है। ये इमेज फॉर्मेशन का काम नहीं करती है, ठीक है? इट कैन ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वेदर अंधेरा है कि लाइट है, बस ये डिटेक्ट कर सकती है। इमेज फॉर्मेशन का काम ये नहीं करती है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे इसमें है जो कोर्स में, वो है लिटरल आइज। लिटरल आइज के बारे में हम देखेंगे। लिटरल आइज कैसी हैं? पेयर्ड लिटरल आइज पाई जाती हैं वर्टिब्रेट्स में, विच आर एसेंशियली सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इनर्वेशन एंड एक्सट्रिंसिक मसल एक्सेप्टिंग सम माइनर डिफरेंसेस। जितने भी वर्टिब्रेट्स में पेयर्ड लिटरल आइज पाई जाती हैं, उनके अंदर ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर है, जो उनका ओरिजिन है, जो उनका इनर्वेशन है, कैसे उसमें से नर्व जा रही है ब्रेन की तरफ, उसमें कौन कौन सी मसल्स हैं, ये ज़्यादातर सिमिलर होती हैं, कुछ माइनर डिफरेंसेस के अलावा। डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? आई के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं पाए जाते, ये पाए जाएंगे डिफरेंसेस आईलिड्स में, कि आईलिड है या नहीं है, या आईलिड किस तरह की है। आईज़ में पाए जाने वाले ग्लैंड्स में, यानी ग्लैंड्स कौन से हैं, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि लाइट को कैसे एकोमोडेट करती हैं, उनमें इनके बेसिक डिफरेंसेस हैं। वरना इनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इनोवेशन है, और एक्सट्रिंसिक मसल्स जो हैं, दे आर मोर और लेस सिमिलर। और डिफरेंसेस किस में हैं? डिफरेंसेस हैं सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड्स में, और आईलिड्स हैं या नहीं हैं, किस तरह की हैं, आईज़ में कौन कौन से ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए, वर्टिब्रेट आई जो है, दैट डेवलप्स फ्रॉम थ्री प्रिमोर्डिया, तीन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे वर्टिब्रेट आई का डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे पहले तो फोर ब्रेन की कोई आउटग्रोथ से, जो कि रेटाइना, आयरिस, सीलियरी बॉडी एंड ऑप्टिक नर्व बनाने का काम करती है, ठीक है? आउटग्रोथ ऑफ द फोर ब्रेन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? आयरिस बनता है, रेटाइना बनता है, सीलियरी बॉडी और ऑप्टिक नर्व बनती है। एक्टोडर्म से लेंस और कंजक्टिवा बनती है, और मीजेनकाइम, यानी कि अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स में थ्री लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तो इसमें सिर्फ बेसिकली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेयर काम कर रही है वो है एक्टोडर्म, ठीक है? मीजोडर्म और एंडोडर्म का कोई रोल नहीं है, पर हाँ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाए जाने वाली कई बार मीजेनकाइमल सेल्स जो हैं, उनसे स्क्लेरा, कॉर्निया और कोरोइड का डेवलपमेंट होता है। तो ये आई का स्ट्रक्चर है, ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंजक्टिवा है, जिसका मैंने आपको बताया, ये डेवलप होता है एक्टोडर्म से, और लेंस, ये जो दो चीज़ें हैं, कंजक्टिवा और लेंस, ये एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। आयरिस, रेटाइना, सीलियरी बॉडी और
ऑप्टिक नर्व, ये डेवलप होते हैं फोरब्रेन की आउटग्रोथ से, और स्क्लेरा कॉर्निया एंड कोरोइड ये डेवलप होते हैं किससे, मेसेनकाइमल सेल्स से। ओके अब इसमें इसका जो चीफ फंक्शनल कंपोनेंट है, चीफ फंक्शनल कंपोनेंट इज रेटाइना। ये जो आप रेटाइना देख रहे हैं इसमें पीछे की तरफ एक आप देखेंगे कि एक पूरा लेयर बनी हुई है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ये रेटाइना है। रेटाइना बेसिकली स्क्रीन की तरह काम करता है जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, दैट स्क्रीन इज नोन एज रेटाइना। ओके जैसे आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो जो पर्दा है वो रेटाइना है जिस पर लाइट गिर रही है और इमेज बन रही है, प्रोजेक्टर की लाइट गिरती है और इमेज बनती है। सिमिलरली सो जो चीफ फंक्शनल कंपोनेंट है आई का, वर्टिब्रेट की जो पेयर्ड लेटरल आईज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रेटाइना। एक नर्वस मेम्ब्रेन है विच लाइज एट द एंड ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स। दो फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स हैं, एक होता है विट्रस ह्यूमर और एक होता है लेंस के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। ठीक है तो ये जो फ्लूइड है इनके पीछे एक नर्वस मेम्ब्रेन होती है फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स के पीछे, जिसको हम रेटाइना कहते हैं। नर्वस एलिमेंट्स ऑफ द रेटाइना जो है, अब इस रेटाइना में पाए जाने वाले नर्वस एलिमेंट्स क्या हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि लाइट से प्रभावित होते हैं या लाइट से उनमें कोई चेंज आता है, ये कहलाते हैं दो तरह के सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, विच आर सेंसिटिव टू लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, मींस दे गेट स्टिमुलेटेड एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन इट। तो नर्वस एलिमेंट्स कौन से हैं इसके, रॉड्स एंड कोन्स हैं जो कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स के लिए सेंसिटिव हैं, और कई सारे गैंग्लियोनिक सेल्स भी इसमें पाए जाते हैं जो कि सिनेप्सिस से सेपरेटेड होते हैं। गैंग्लियोनिक सेल क्या करते हैं, ये इम्पल्सिस रिसीव करते हैं फ्रॉम रॉड्स एंड कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स पे लाइट पड़ी, इन जे ये जिस लाइट के वेवलेंथ के लिए सेंसिटिव हैं उससे ये सेंसिटिव, उससे ये रिस्पॉन्ड करेंगे, और ये गैंग्लियोनिक सेल्स जो इनके बीच में प्रेजेंट हैं वो रिस्पॉन्ड, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनको ट्रांसमिट कर देंगे, उसके जो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे ऑप्टिक नर्व से ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेंस ऑर्गन जो है वो बेसिकली काम क्या करते हैं कि नर्वस नर्व फाइबर्स से इनमें ट्रांसमिशन होता है, इनमें पाए जाने वाले स्टिमुलाई से नर्व फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं और वो नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट करते हैं उस पर्टिकुलर इम्पल्स को टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, उस चीज़ को जो इसका इफेक्टर ऑर्गन है उसको एक्टिवेट करता है और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। तो अपन ने ये देखा इसमें कि इसका जो चीफ फंक्शनल कंपोनेंट है वो रेटाइना है, एक नर्वस मेम्ब्रेन है विच इज़ लाइंग एट द एंड ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लूइड फिल्ड चैम्बर्स। नर्वस एलिमेंट्स ऑफ द रेटाइना कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स जो कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, और इन रॉड्स एंड कोन्स के बीच में गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं जिसको सिनेप्सिस सेपरेट करते हैं। ये गैंग्लियोनिक सेल्स क्या करते हैं, दे रिसीव इम्पल्सिस फ्रॉम द रॉड्स एंड कोन्स एंड ट्रांसमिट देम टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। ये आप देख रहे होंगे एक ऑप्टिक नर्व जा रही है, इस ऑप्टिक नर्व से ये ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट इम्पल्सिस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और द ब्रेन। ओके अब जो रेटाइना है एंड चैम्बर्स, रेटाइना और चैम्बर्स दोनों किससे कवर्ड हैं, दे आर कवर्ड बाय हैवीली पिगमेंटेड कोरोइड कोट। कोरोइड कोट आप देख सकते हैं यहाँ पर, रेटाइना के जस्ट आगे देखिए एक कोरोइड नाम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हैवीली पिगमेंटेड सेल्स का बना होता है और ये बिहाइंड द रेटाइना होता है, इट इज़ जस्ट बिहाइंड द रेटाइना एंड एनसर्कलिंग द चैम्बर्स एक्सेप्ट अ सिंगल सेंट्रल अपर्चर। एक सारी जगह ये इसको एनसर्कल करता है, बस वहाँ पर नहीं करता जहाँ पर सेंट्रल अपर्चर होता है। देखो अब लेंस जो है उससे पूरा रेटाइना से बाहर आ रहा है, ये देखिए यहाँ से पूरी ब्लैक कलर की डार्क मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये रेटाइना है और कोरोइड ने इसको पूरा घेर रखा है, बस इसने कौन सी जगह इसको नहीं वो कर रखा है, सिंगल सेंट्रल अपर्चर विच इज़ नोन एज ए प्यूपिल। अगर ये प्यूपिल को भी कवर कर लेगा तो लाइट जो है वो एंटर नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्यूपिल ही एक ऐसा स्लिट है, एक सर्कुलर ओपनिंग है जिससे लाइट जो है वो एंटर करती है, तो उसका ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर हैवीली पिगमेंटेड कोरोइड कोट होगा तो लाइट कैन नॉट एंटर। ओके इसके बाद जो पोर्शन ऑफ द कोरोइड कोट प्यूपिल को सराउंड करता है, दैट इज कॉल्ड द आयरिस डायफ्राम। ओके ये आयरिस का डायफ्राम आपको दिख रहा है, दो यहाँ से छूटे हुए से स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज कॉल्ड द आयरिस डायफ्राम। ये प्यूपिल को सराउंड करता है, ये बंद और खुलता रहता है। ठीक है इस आयरिस डायफ्राम में एक सेट ऑफ इंट्रेंसिक आईबॉल स्मूथ मसल्स होता है
दोनों आयरिस डायफ्राम में ये सस्पेंसरी लिगामेंट आप देख रहे हो ना, ये जो है इसमें एक स्मूथ मसल्स का सेट होता है, ठीक है। इनको हम डायलेटर्स और कॉन्स्ट्रिक्टर्स कहते हैं प्यूपिल के। जब लाइट कम होती है तो डायलेटर्स प्यूपिल को डायलेट करने का काम करते हैं, वो खोल देते हैं उसको सो दैट मैक्सिमम लाइट कैन एंटर। जब लाइट बहुत तेज़ होती है तो ये कंस्ट्रिक्टर मसल्स काम करती हैं और प्यूपिल को बहुत छोटा सा उसका स्लिट कर देते हैं ताकि मिनिमम लाइट कैन एंटर, इट कैनॉट डैमेज दी आईज। अगर बहुत सारी सन रेज को आप कभी देख नहीं पाते सन की तरफ क्योंकि बहुत तेज़ रोशनी वहाँ से आ रही है, और इस वक्त कंस्ट्रिक्टर मसल्स काम करती है प्यूपिल की, और आप कभी एकदम से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप देखना कि आपकी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं या कम लाइट में आपका प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट मोर एंड मोर लाइट कैन एंटर एंड इमेज कैन बी फॉर्म्ड। ओके, सो जो डायलेटर्स हैं दे आर ऑल अरेंज रेडियली, रेडियली अरेंज होते हैं और डायमीटर में इंक्रीज हो जाते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड डायमीटर को इंक्रीज करते हैं बाय द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी, आप उसमें से इसको डिटेल में देख सकते हैं। ओके?